हमारे में इतना स्मार्ट था प्रो, वो क्या करता था, सीक्वेंस अटेंडेंस नहीं लेता था, बोलता था 4 15 20। तुम मतलब एक होता ना प्रिपेयर, अब 2 के बाद 3 आएगा 4 आएगा तो एडजस्ट कर लेते थे। अरे बहुत दिक्कत है, समझ रहे, तो ऐसे करता था। अरे लड़ाई, वो लड़ाई नहीं कर सकते थे। चलो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अटेंडेंस में तो क्या क्या खेल करते थे, मजा आता था। चलो चलो, तो पहले क्या करें, क्वेश्चंस करें कि थ्योरी को आगे बढ़ाएं। वाला, चलो वाला वाला पूरा कर देते हैं। सो यस्टरडे वी कवर्ड व्हाट, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो हो गया है अपने से। हाँ, स्ट्रिंग वाला हुआ है ना, स्ट्रिंग वाला ही। ठीक है, इसमें तीन केसेस थे, एक था स्ट्रिंग, एक मोशन इनसाइड द बैग लेके पूरा चक्कर काटो क्लास का 2 बार, एक था कि इनसाइड द सर्किल वायर शेप में देयर इज सम सर्किल और सम पार्टिकल इज मूविंग, ये करके। इसका मोशन वी डोंट नीड टू डिस्कस सेपरेटली बिकॉज इट्स सेम एज स्ट्रिंग वाला, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस टेंशन विद रिएक्शन आर, बाकी डिट्टो मोशन है। ठीक है, व्हेन सम पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड द सर्किल, ठीक है, देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच्ड, तो वही अंदर से घूम रहा है, इसमें टेंशन की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्शन। क्लियर हो गया ना, वैसे ही बना दूंगा दोबारा से डायग्राम। हाँ हाँ नहीं नहीं क्यों नहीं, ऊपर भी जा सकता है, खूब तेजी से भगाओ, मौत के कुएं में तो पूरा घूम जाता था। नहीं, सारा एकदम डिटो मोशन हो सकता है, तुम इतने स्पीड से जाओ कि सरफेस को जब आते हुए पूरा सारा कुछ वैसे मोशन। इक्वेशन लिखो, सारे केस बनेंगे सेम वाले। हाँ, सेम ही आएंगे वो, इसलिए डिस्कस भी नहीं किया है इसको अलग से। और थर्ड केस क्या होता है अपना, आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, तो बस डायग्राम बनाता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या छापोगे, तो लिखा ही हुआ है, इक्वेशन लिखते हैं केवल। कौन वाला, नहीं है नहीं है नहीं है, वो उसमें भी नहीं था, बुक में भी नहीं था, तो मुझे बाद में आया था कि सेम में शायद इसलिए नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन तो, हाँ क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन तो आ ही सकता है, क्वेश्चन देखो कैसे इमोशन का आ सकता है, इसलिए तुमको फंडा समझना है कि हाउ टू डिस्क्राइब अ मोशन। इसलिए आई ऑलवेज राइट इक्वेशंस, जब भी मोशन हो रहा है यू हैव अ पाथ, तो वन इक्वेशन विल बी अलोंग द टेंजेंट एंड सेकंड इक्वेशन विल बी, एक टेंजेंट हो गया, दूसरा नॉर्मल लेना ही पड़ेगा तुमको टू कंप्लीट डिस्क्राइब द मोशन। तो ऐसे मत सोचो कि क्वेश्चन इसी पे आएगा एग्जैक्टली सर्कुलर, दे कैन गिव यू सम रैंडम पाथ। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन का उन्होंने पैराबोलिक पाथ दिया है। ठीक है, तो फंडा समझो, क्वेश्चन अगर एज इट इज इन्हीं से आ गया तो यू आर इन सिचुएशन टू यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, अदरवाइज आपको वही बेसिक फंडा से ही जाना है, जनरल इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे अलोंग द टेंजेंट एंड अलोंग द नॉर्मल, और फिर सॉल्व करो जैसे करते हैं, है ना। लेट्स से दिस इज द सर्किल, अभी इनसाइड मोशन वाला बस इक्वेशन लिखेंगे, हियर इज सम बॉल, ठीक है, एंड इट्स मेकिंग एट सम टाइम थीटा पोजीशन पे, ओ गली में आज चांद निकला,
ठीक है. सो दिस बॉल हैज, चलो सेटल हो जाओ सब कोई, फोकस करो इधर पे. शांति कायम हो. तो टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन. ठीक है, एक डायरेक्शन ये है एंड द सेकंड डायरेक्शन इज दिस. समझ में ना क्या डिस्कस कर रहे हैं. ये कोई एक वायर है और ये कोई बॉल है एंड इट्स मूविंग फ्रॉम, इसको हमने यहां से कुछ धक्का दिया, ये मोशन करेगा इनसाइड दिस सरफेस, राइट. तो उसी का मोशन वी आर डिस्कसिंग. सो लेट मी शो ऑल द फोर्सेस. mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि वर्टिकल सर्किल है. इट विल बी प्रेसिंग द सरफेस, ये तो नॉर्मल एक्शन लगेगा, राइट. और कुछ इधर पे आ जाएगा, ये mg साइन थीटा, राइट. और इधर mg cos थीटा. नाउ यू कैन राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्या लिखोगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में. m d2s by dt square equal to minus mg sin theta, right. And is there any other force? No. Along the normal, क्या लिखोगे, mv square by rho, in place of rho you will write a, ठीक है, equal to what is the centripetal force, r minus mg cos theta, very good. Other relation, theta equals to l upon r, yes, s equal to a theta. So देखो, all the fundamental equations are same as the previous ones. Previous case जैसे ही सारी equation है, तो सारे result वही लगेंगे. What is the difference? कि here tension की जगह पे normal reaction है. बाकी जो कहानी थी सेम रहेगी. इसमें कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, ठीक है. उसमें किसी एक पॉइंट पे अपनी वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाती थी, इसमें सरफेस छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ करके जो उसमें कहानी होती थी यही इसमें होगा, ठीक है. अब बस यही डिफरेंस है, उसमें धागा बंधा हुआ था, इसमें रिएक्शन क्या. अरे दोनों केस ही अलग है, तुम्हें डाउट कैसे आ जाता है. एक में तुम रस्सी से ऐसे घुमा रहे हो पकड़ के, एक में बॉल कर रहे हो. अभी तो ना पूछो कि एक में 10 केजी वेट है, एक में 20 केजी वेट हो गया, तो अलग अलग क्वेश्चन होगा. उसमें तुम्हारा स्ट्रिंग से अटैच था वाला मोशन था, इसमें दिस एम ब्लॉक या बॉल इज रोलिंग ऑन दिस सर्फेस. बस ये है, पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम देखते तो बोलते कब पढ़ाए नहीं है, वरना पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी. अब लास्ट केस इसी में, व्हेन मोशन विल हैपन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सर्किल, ठीक है. वही कह सकते हैं मोशन, मोशन डिस्कस करने मतलब वही है. वेलोसिटी पूछ देगा कब कांटेक्ट छूट रहा है, यही सब दो तीन बातें. कितने टाइम में नीचे पहुंचा है, कितने टाइम में कांटेक्ट छूटेगा, यही सब दुनियादारी है.
हाँ बताओ या ये बोल सकता है कि कितनी मैक्सिमम हमारी रोटेशन स्पीड हो सकती है कि ब्रेक ना हो ऐसे नहीं सर करके। वो हाँ कर पाए। तो भाई वो कॉमन सेंस यूज करना आप। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, बॉल मतलब, इसको हमने बस लड़का दिया, जाएगा अपना कहीं ना कहीं कांटेक्ट छोड़ेगा, ये यही डिस्कस करना है। ठीक है, फोर्सेस देखो, राइट, इक्वेरियम ऑफ कोर्स यार। हाँ, जरा सा तुम खिसकाओगे तो नीचे आते जाएगा, एमजी उसको नीचे खींच के लेके जाएगा। एंगल कहाँ से लिया है? ये थीटा है, राइट? क्या? यस, निश्चित है। एमजी साइन थीटा इधर पे आएगा, एम जी कॉस थीटा और इसके नॉर्मल पे क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स? कोई नहीं है, सिर्फ दो ही थे, मास है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो वन इक्वेशन इन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्या लिखोगे? एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, यहां से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, राइट? दिस इज आर मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ पे तो पार्टिकल इज हेयर, वी आर राइटिंग इक्वेशन एट दिस पॉइंट। तो एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन, एम जी साइन थीटा विथ प्लस साइन और नेगेटिव साइन। वेरी गुड, एकदम सही। एंड टेंजेंशियल एक्शन में कोई और फोर्स नहीं, आ जाओ नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक कौन देगा आपकी बार? एम वी स्क्वायर बाई इक्वल टू, वेरी गुड, एम जी कॉस थीटा माइनस आर। और इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, एस और थीटा में रिलेशन, व्हाट इज दिस एंगल थीटा, तो एस इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते थे इंटायरली इन थीटा, एस को ये थीटा से रिप्लेस करके, उसके बाद टू मल्टीप्लाई करते थे, वहां से क्या निकालते थे, वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालते थे ना, याद है ना कुछ? इनिशियल कंडीशन क्या यूज करोगे? हाँ, शुरू में यू यू नहीं होगा, जीरो ही होगा शायद, क्योंकि यू में शायद तुरंत ही निकल जाएगा बाहर। ठीक है, हाँ तो जीरो यूज करें, क्योंकि तुम देखो ना, जरा सा भी टेंजेंशियल देगा तो सीधे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो बस वो ऐसे लुका देगा शायद, या देखेंगे कुल मिला के स्टार्टिंग में, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर केस स्टार्टिंग वेलोसिटी इज जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो पे योर वेलोसिटी इज जीरो। तो ये सारे एक्सप्रेशन यूज करके गुणा भाग करके यू विल गेट टू एक्सप्रेशन, हम लोग यही तो निकाल रहे हैं शुरू से। एक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन इज फॉर वेलोसिटी, वो आएगा ट्वाइस ऑफ ए जी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा इसमें किसका एक्सप्रेशन होगा, रिएक्शन का, वो आया आर इक्वल टू एम जी थ्री कॉस थीटा माइनस टू। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड दैट एंगल एट विच द बॉल विल लूज कॉन्टैक्ट
उसका मतलब क्या है, एट वॉट एंगल आर बिकम्स जीरो, थीटा निकल आएगा वहां से, थीटा निकल आएगा तो तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकल आई उस पॉइंट पे, एंगल भी तुमको पता है, फ्यूचर मोशन डिस्कस कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। वाह, और कुछ नहीं इसमें, यही वो यार कुछ नहीं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मुझे तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन कई बार दे सकता है इनडायरेक्टली, कभी मैं जरूरत पड़ी नहीं, बट फिर भी वो मुझे समझ में आया कि वो हाँ वो यूज कर सकता है कभी। वो बात ये थी कि दिस इज योर कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन, यू से फेंका हमने उसको और ऐसे करके मोशन करेगा पूरी, ठीक है। अब ये यू तो कांस्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में पूरी काइनेटिक एनर्जी है, बीच में पूरी मतलब कभी ना कभी ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक भी जाएगा, वापस से पूरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पॉइंट इज कि यू विल कीप ऑन चेंजिंग, यू नहीं वी विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। इस पैराबोला का, हर पैराबोला का या हर कोने का एक डायरेक्ट्रिक्स होता था, दैट फिक्स लाइन जिसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस वाली डेफिनेशन थी स्टैंडर्ड, राइट। तो कुल मिला के इसकी भी पैराबोला की कोई डायरेक्ट्रिक्स होगी, वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू ए जी इसकी इक्वेशन थी। तो वो जो बात है, वो स्टेटमेंट वो ये बोलता है कि लेट से यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो एक तो तुम अपने एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट रिजल्ट इज दिस कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक फॉल करे ना, तो जो वेलोसिटी होगी ना अटेन करेगा यहाँ तक आने में, वो यही वेलोसिटी है यहाँ पे, ये बात है। मतलब कि जो भी वेलोसिटी यहाँ पे होगी, इट्स इट विल बी सेम एज सम पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम हियर, ये है। ठीक है, वहां से तुम ऐसे ड्रॉप कर दो डायरेक्ट्रिक्स से, जो वेलोसिटी आएगी वही होगी जो नेचुरली उस पॉइंट पे होनी चाहिए थी। क्या भाई विवेक, क्या जाना चढ़ा ली थी? और प्रोजेक्ट हो गया मेनू? चलो ठीक है। तो ये फंडा था, ये फंडा क्लियर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी पूरा समझ में आ गया कैसे डिस्कस करता है। इससे ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट में नहीं है। नेक्स्ट पेज देखो, इस पेज को इग्नोर कर देना, जिसका मन हो वही पढ़ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला तुमने दिया है। हाँ नहीं मत पढ़ना, जिसकी मर्जी वो पढ़ना, ठीक है। डाउट मत पूछना मुझसे, और डाउट पे ज्यादा पर्सनल पूछना, क्योंकि मैं बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। पढ़ लेना, अगर तुम्हें वैसे मैं बोलूंगा तो डाउट आएगा तुमको, वरना तो तुम्हारी जिंदगी आसानी से चल रही है मुझे पता। ठीक है चलो, अब साइक्लॉइड मोशन कर ले। हाँ साइक्लॉइड मोशन है, ठीक है। किसी को डाउट इसमें अभी तक कुछ भी? चलो वेरी गुड, चलो अब शुरू करते हैं साइक्लॉइड। बताइए। हाँ 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 फिक्स होता है, शायद रिजल्ट कहीं पे बुक में है भी, ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है ना स्पेसिफिक, देखो कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें क्या वेरिएशन पॉसिबल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितने केस उसमें थे उसमें है, इसमें कुछ है ही नहीं। स्टार्टिंग वेलोसिटी में भी खेल नहीं रहे हम लोग, खेल सकते हैं अगर देंगे वेलोसिटी, मुझे लगता है कि और तुरंत ही सामने ना चला जाए, कुछ देर के लिए कॉन्टेक्ट में रह सकता है वो, है एमजी थोड़ा सा लेके आएगा नीचे, एमजी वाला फोर्स तो रहेगा ही नीचे, ठीक है। हाँ और जल्दी भागेगा वो, ठीक है। तभी मैं चुप हो गया था उस टाइम पे,
ठीक है, तो ये रिजल्ट लेकिन याद रखो, ठीक है। चलो आगे चलो। साइक्लॉइड, साइक्लॉइड याद है क्या होता था? ठीक है ना, पढ़ लो, डेफिनेशन लिखी भी है कि व्हाट इज साइक्लॉइड। साइक्लॉइड इज अ कर्व व्हिच इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एज द सर्किल रोल्स अलोंग अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये कर्व ट्रेसिंग में ही बताया था, उसके पहले भी एक बार कैलकुलस के टाइम भी बताया था, ठीक है। तो आज उसकी जरूरत सिर्फ उसके इक्वेशन की है, तो वो इक्वेशन याद रखो, वाई इट्स अ कंस्टेंट मोशन। वापस से वही पूछूंगा, सर्कुलर मोशन क्यों कंस्टेंट मोशन था? क्योंकि तुमने कंस्टेंट कर दिया था, बात उसका फिक्स था, ठीक है। तो ये भी वाई दिस इज ऑल्सो अ कंस्टेंट मोशन, क्योंकि यहाँ पे भी, यस यहाँ पे भी पार्टिकल को फिक्स कर दिया है भाई, तुम इसी पे चलोगे, तुमको यही रास्ते पे चलना है, इसी पे अपनी जिंदगी बितानी है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसकी इक्वेशन में है कि भाई पाथ दे दिया इसने बस। अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है वो जरा देख लो। ओ ये है अपना एम, दिस इज ए ए डैश, ये अपना रैंडम पॉइंट है, पी वैल्यू है, और क्या दिया है, बेस भी हो गया। अब इसकी इक्वेशन जरा नोट ध्यान दो, व्हाट्स इट इंट्रिंसिक इक्वेशन, एस इक्वल टू 4a साइन साई। देख रहे हो, मतलब कि इफ यू नो द साई एट सम पॉइंट तो तुमको आर्क लेंथ पता लग जाएगी तुरंत, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी काम है, पैरामेट्रिक वाली है, याद करना है कर लो। और ये जरा वैल्यूज याद रखो कि व्हाट इज ओ ए, देखो मैंने जानबूझ के दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो वहां पे साई इज 90, तो ऑफ कोर्स फॉर साई इक्वल टू 90 एस इक्वल टू 4a, दैट्स व्हाई दिस आर्क लेंथ ओ ए इज 4a, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ 4a है, गॉट इट, ये पूरा 4a है, ठीक है। हाइट इसकी है ये, दिस इज 2a, यहाँ पे ये वाला फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है और आगे भी क्लियर है। और दूसरी जो इक्वेशन है एच स्क्वायर इक्वल टू 8ay, ठीक है। जैसे वी रिमेम्बर पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसे ही ये इक्वेशन याद रखो साइक्लॉइड की, क्योंकि ये अगर पता नहीं होगी तो तुम इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। इक्वेशन में अपने को स्लोप ऑफ जरूरत पड़ती है ना, एम जी साइन थीटा वो सब लिखते हो, साइन थीटा इज बेसिकली वहाँ पे साई ही होता है, क्योंकि टेंजेंट लेते हैं ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखो कि वॉट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, पाथ पता रहेगा तो मोशन डिस्कस कर सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं, बैठाओ यहाँ पे एक एम मास का कुछ भी, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड कितना एम जी, वॉट इज दिस एंगल साई, टेंजेंट डाल दी है, अगली लाइन क्या होगी नॉर्मल फोर्स अलोंग दिस लाइन, साइन सही होगा, ठीक है। अलोंग दिस एम जी क्रॉस साई, इट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्फेस तो नॉर्मल रिएक्शन, राइट। एनी अदर फोर्स, केवल मास और नॉर्मल रिएक्शन ही था। तो स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशंस, इक्वेशन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक
क्या लिखोगे? एम डी टू इज बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, वेरी गुड, अलोंग द नॉर्मल एम वी स्क्वायर बाई रो, ठीक है, इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस साई, ठीक है, हीरो वाला फंडा समझ में आया ना, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट, ठीक। हाँ अब देखो, हाँ हाँ mv square by rho, which is the force which is giving this central acceleration, आप समझिए, सेंटर के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है जो लग रहा है, तो फिर r माइनस लिखेंगे ना। अब यहां से देखो जरा, व्हाट इज साइन साई, साइन साई इक्वल टू एस बाई फोर ए, राइट। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट वन को, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी, क्या था, एस बाई फोर है, तो साइन साई को रिप्लेस कर दिया ना, साइन साई इक्वल टू एस बाई फोर है, तो जी एस बाई फोर है विद अ माइनस साइन, हाँ। जी बाई फोर है एस, इसको देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ घंटी बजती है, क्या बजती है सकाल? नहीं 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 वो नहीं, वो तो पुरानी कहानी होगी, एस एच एम, ठीक है, योर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर तुम्हें एस एच एम पता लग गई तब तो तुम सारी मोशन को एनालाइज कर सकते हो अपने एसएचएम वाले रिजल्ट से केवल, ठीक है, मस्त। तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा, इस वाले मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ 4a by g, very good, अच्छा। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम पार्टिकल को यहां से छोड़ो या यहां से छोड़ो, वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लेता है, ठीक है। यहां छोड़ोगे तो धीमे धीमे जाएगा, ऊपर छोड़ोगे और जाएगा, मतलब उसको जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तो वो तेजी से भागता है, कम डिस्टेंस कवर करनी होती है तो धीरे से जाता है, टाइम उतना ही लेगा, वो पेपर पूरा 3 घंटे में करेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या जो भी है, क्योंकि ए इज ऑल्सो फिक्स, जे इज ऑल्सो फिक्स, ठीक है। हाँ राज, यू हैव एनी डाउट? हाँ, अरे यार फिर वीडियो अटक गई, नहीं इधर पे अटक रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मुझे बड़ा डर लगता है, ये सब हो जाता है, उसे करते नहीं बनता है वो सब, ठीक है। तो चलो कोई नहीं,
तो मैंने एक टर्म लिखा था यहाँ पे, आइसोक्रोनस मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। फील आ रही है ना, यहाँ से गिरेगा तो तेजी से जाएगा, नीचे से जाएगा तो धीमे से जाएगा, टाइम ऑफ मोशन विल बी। हाँ हाँ, मतलब स्पीड देंगे तभी सिस्टम होगा, इतनी मत देना कि ऊपर भाग जाए। नहीं नहीं, ड्रॉप भी कर सकता, वहां से ड्रॉप करने पे ही होगा मुझे तो। इक्वेशन जो निकाली है ना, वहां से छोड़ते तो भी एसएचएम होता, पुश करेंगे। हाँ, मतलब इतना तेज पुश मत करो कि उसके आगे निकल जाए ना वो। हाँ, पर नॉर्मल जैसे एसएचएम कराते थे वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ, जैसे उसमें एसएचएम था, जो जो रिस्ट्रिक्शन और जो जो वो थे उसमें थे, वही वही इसमें रहेंगे। ठीक है, नहीं क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब वही आएगा जो उसमें आया था, केवल मोशन का एम्पलीट्यूड चेंज होगा और कुछ नहीं। जैसे उसमें वेलोसिटी का एक्सप्रेस क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसमें दैट ए इज योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो दिया है, बस। ठीक है, हाँ तो वही मोशन है उसका। मतलब नीचे आके वेलोसिटी कम क्यों होगा, तेजी होगी नीचे आने पे। तुम ऊपर से सरकते हो तो ऊपर कम आती कि वो ज्यादा आती। यस यस, इनफैक्ट तुम अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी दोगे तो वापस भी उतनी वेलोसिटी से आएगा वो। हाँ, तो क्यों, हाँ उसको थे ना पता स्प्रिंग है कि वो क्या है। हाँ बस बस, ऐसे वो अलग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें बीच रास्ते में स्ट्रिंग स्लैक हो जाती थी, वो तो बचपन से अपने आप को एसएचएम मान के चल रहा था, तो बीच में धोखा हो गया। ठीक है, तो वही इस पे है, इसको नहीं पता है कि हम कटोरे में बैठे हुए हैं धागे से। ठीक है, तो हाँ हाँ तो SHM मैंने बोल दिया है, लेकिन फिर टेक्निकल में कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो स्पेशली? तो B इसमें भी तो सेम होगा, क्यों नहीं? हाँ, सर्कल में भी होगा। नहीं, उसमें क्या SHM कहाँ होता है, तो उसमें क्यों बोल रहे हो तुम, लिंक क्यों कर रहे हो दोनों केसेस को, जब उसमें SHM नहीं था तो ये तो हमने इक्वेशन लिखी और ऐसी आ गई। क्या 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 क्या, हाँ 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 ठीक है, लेकिन ऐसे जनरल रिजल्ट में बोलने में डरता हूँ, क्योंकि जब इक्वेशन सेम आए तभी वो सब बातें बोलो, बाकी तुम्हें रिजल्ट डायरेक्टली बोलना है तो अदर फंडे भी यूज कर लो, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह ये सब, तब तुम और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। अच्छा, जनरलाइज मत किया करो, जो उसमें उल्लू बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मेरे सामने इक्वेशन है उसी बेसिस पे मैं बोलता हूँ, इसलिए तुम लोग जब बोलते हो ना कि ऐसा हो जाए तब क्या वैसा हो जाए, तो मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, पता नहीं कौन सा केस मिस हो जाए, कौन सी कंडीशन मिस हो जाए। ठीक है, हाँ, तो इस केस में जैसे कि एक तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, वेलोसिटी वगैरह हमें पता लग जाए किसी भी मोमेंट पे क्या है, क्यों कैसे, वैसे ही v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे s अपना वही x है। दूसरी चीज क्या बचती है इसमें, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नहीं निकाले ना, तो रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो
यस ये इक्वेशन पता है राइट, वेलोसिटी पता है हमें पोजीशन पे, वेलोसिटी पता है, कॉस साई साइन साई के लिए क्या हरकत करोगे, ठीक पता लग गया सारी कहानी, ठीक है। तुम्हें आर्क लेंथ अगर पता लग जाए तो तुम एंगल निकाल सकते हो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, वेलोसिटी निकाल सकते हो सब, तो क्वेश्चन देखोगे तो आप सारे कर लोगे फटाफट। और कोई बचती है? हाँ, अब ये दिस मोशन वॉज इन साइड द साइक्लॉइड, तो बचा हुआ कौन सा ऊपर, मैंने अभी बीच में से डाउट आ गया था कि वो रस्सी बांध दी थी उसमें एसएचएम कर रहा है मान लो लोअर हाफ में, तो भी मैं उसको एसएचएम बोलने में क्यों हिचक रहा था, एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि दैट मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम, ठीक है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि तुम अगर जैसे मैं एसएचएम बोल दूंगा तो तुम वेलोसिटी के स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना शुरू कर दोगे बट वो वैलिड ही नहीं होंगे ना, ठीक है, हाँ बस तभी ठीक है, खुश हो जाओ वरना क्या है, टू डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड कहानी शुरू, ठीक है चलो ये उल्टा हो गया इसमें भी कोई एक पोजीशन ले लो यहाँ पे, ठीक है ये होगी टेंजेंट, एक नॉर्मल ये राइट, दिखाओ सारे एंगल बताइए, हाँ 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 एम्पलीट्यूड हो गया ये मेन पोजीशन, एम्पलीट्यूड हमेशा होता है मेन पोजीशन से, ठीक है तो जैसे हाँ हाँ यस 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 जो पाथ वो ट्रेस करेगा वो है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है नोट्स में गड़बड़ लिखा है मैंने, ये वो लेंथ होगी ना, मैक्सिमम मोशन कब तक पॉसिबल है यहां तक, तो ये आर्क लेंथ 4 है ना पूरी, हाँ ये 4 है याद करो, ये देखो यहाँ पे था ना कि साई इक्वल टू 90 रखो पूरे, ठीक है वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है फॉर मोशन वो लिखा है, वो मैक्सिमम पॉसिबल है, वो एक पर्टिकुलर केस होगा, ठीक है लिख लो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ये लिख दो, फोर मैक्सिमम पॉसिबल, हाँ जहां पे भी तुमने ड्रॉप किया है जिस पोजीशन से ड्रॉप किया है या जहां तक वो पहुंच पा रहा है, ठीक है वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्या हो विवेक तो चमक रहा है, ये याद आ रहा है, कोई नहीं दो तीन बार वेकेशन बनाओगे देखने लगेगा, ठीक है हाँ तो यहाँ पे क्या था एंगल क्या है वर्टिकल से, ये वाला साई राइट, दिस इज MG, इसमें MG मैं एंगल शायद मैंने गलत लिखा है ना, नहीं नहीं साई ये है ना, साई टेंजेंट का एंगल होता है ना, सही
मतलब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, अभी साई ले लो, ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साई जीरो को देखो, आकलन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये एम जी है, ये साई, तो ये कितना हो गया, ये भी साई, एंटी वाइज साई सही है। तो ये एम जी साइन साई और ये एम जी कॉस साई, नॉर्मल रिएक्शन ये, ठीक है। लिखो मोशन, हाँ फंडा याद रखना यही, एक फंडा बस और आएगा, अभी करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, अभी के अभी करेंगे, अभी के अभी, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्या होगी, एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर विद एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन इक्वल टू, कौन लेके जा रहा है, एम जी साइन फाई, कोई और फोर्स है, कोई और फोर्स भी है, ओके आई एम सो सॉरी। सुविधा के लिखे गए नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल बताओ, एम वी स्क्वायर बाई रो इक्वल टू, अब दूसरी बात, साई और एस रिलेशन क्या था, एस स्क्वायर इक्वल टू फोर ए साइन साई, वही हरकत करो इसमें, बड़ा खेद होगा आज मुझे, एस इक्वल टू फोर ए साइन साई, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम करो, रिप्लेस साइन साई विद एस बाई फोर ए, तो ये इक्वेशन क्या जाएगी, कहाँ से सचम, माइनस साइन कहाँ है, अरे इस बात पे सरकारी कहानी याद आ गई, पूरे ढंग से याद भी नहीं है। देखो सरकार में काम कैसे होता है, मतलब कि पहले कोई प्रपोजल आया, ठीक है, अब उसको अप्रूव नहीं करना है, नहीं करना है, तो अब भाई ये ऐसे आते हैं पेपर पूरे सरकारी हैं, आए कुछ कुछ भी, यहाँ पे सब लोग क्लास वन शायद इधर लिखते हैं, ऐसे कुछ होता है, क्लास वन इधर लिखेंगे बाकी इधर लिखेंगे, तो लिख दिया उसने मान लो कि नॉट अप्रूव्ड, ठीक है, भाई नॉट अप्रूव्ड हो गया, बाद में गड्डी पहुंच गई या फोन पहुंच गया, आजकल फोन ज्यादा चलता है, गड्डी तो मुश्किल से पहुंचती, तो अब भाई इसको करना है, ये सब बाबू लोग करते हैं काम, ये क्या हो जाएगा, नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, ऐसे चलता है काम, सब चलता है, रूल बहुत एक साफ है गवर्नमेंट में, अगर तुम्हारे किसी पेपर में व्हाइटनर यूज हो गया तो फाइल वापस, व्हाइटनर नहीं हो सकता, लेकिन ये सब डाउन पेज कौन रोक लेगा, ठीक है, ये सब पैतरेबाजी चलती है। और भाई नीचे वाला बाबू जिसको तुम कुछ नहीं मानते हो वो इस सब आके पैतरा बचाएगा, ठीक है, उसकी उम्र बीत गई यही सब दांव पेच करते हुए। चलो तो एम एम कैंसिल, क्लियरली सी कि भाई डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी बाई फोर ए इंटू एस, इज इट एस एच एम, नो, ठीक है, माइनस साइन इज मिसिंग, बट इसको तुम डिस्कस तो कर ही सकते हो, कैसे,
बस वही सब मल्टीप्लाई करके वो सब करके, और आर की इक्वेशन भी ये, तो एक्सप्रेशन देख लो क्या क्या आए हुए हैं। इसमें मैंने इनिशियल एक गलती कर दी, मैंने मुझे इनिशियल कंडीशन भी देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जीरो इसमें होंगे इसलिए नहीं दी है। ठीक है, इन सारी दोनों केसेस में इनिशियल कंडीशन जीरो है, हाँ जीरो स्पीड से उसको लाइट कराया गया है बस। ठीक है, तो वहाँ से एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज 4ag sin psi sin स्क्वायर psi, और प्रेशर वाला देख लो mg / cos psi ये करके। वैसे पता है इसमें रिजल्ट याद करने का इतने कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा करना ही पड़ेगा, इतना छोटा वो है कि तुम रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते। रिजल्ट केवल उसमें काम आते थे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि दो चार खेल हुआ करते थे, इसमें तुम्हें लिखनी ही पड़ेंगी इक्वेशंस। ठीक है, तो जस्ट लर्न कि भाई इक्वेशन लिखते कैसे हैं, बाकी सब वैसे ही है। अब तुम्हें वो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, वो सब हेल्प करता है तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करने में। चलो ये खेल तो हो गया, अब एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट मोशन में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखो जरा। उसमें एक्चुअली 3 स्टेप थे उस कहानी में, अब मुझे याद आ रहा है। पहले होता है अप्रूव्ड, फिर होता है नॉट अप्रूव्ड, फिर होता था नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, ये दवाई का कुछ भूल रहा हूँ, कहानी थोड़ी लंबी थी। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इज ए स्मूथ पैराबोलिक ट्यूब, इसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है, वर्टिकल प्लेन में खड़ा हुआ है, अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द ट्यूब फ्रॉम रेस्ट, स्लाइड्स डाउन द ट्यूब फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, प्रूव दैट इन एनी पोजिशन द रिएक्शन ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू दिस दिस, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द पार्टिकल, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्यूब, और उसका लैटिस रेक्टम हो गया, एंड एच इज द इनिशियल वर्टिकल हाइट ऑफ द पार्टिकल अबव द वर्टेक्स ऑफ द ट्यूब। बेसिकली अपना स्टैंडर्ड पैराबोला ही है ये, बस अब ऐसा बनाते हैं ताकि लाइंस अच्छे से दिखे। What is the equation of this path? बताओ। ठीक है, और ए को यूज कर लिया, वो कर लिया, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, डब्ल्यू इज द वेट, एच इज द इनिशियल हाइट, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, हमें कमेंट करना है रिएक्शन पे। हाँ इक्वेशन
ऐसे करेंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिखो एटलीस्ट। एंगल को वही नाम देना, लेकिन थीटा मत देना, साई देना, ठीक है? जो स्टैंडर्ड है उसी को मान के चलो। जिसका हो जाए मुझे बताना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए दिया है क्वेश्चन ने पूरा, वो जो डेटा दिया है 4a is lattice rectum, वो सब उसीलिए दिया था कि हम लोग वी कैन यूज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। करो करो, हो रहा है कहाँ अटक रहा है, है किसमें? पाथ का एक्स वाई रिलेशन, ये तो है ना, एक्स और वाई इस तरह से रिलेटेड है। आर्क लेंथ का पूछ रहे हो? बस अपना कॉमन सेंस वाला ही है, या इसको ऐसे लिख देते हैं ds by dx equal to 1 plus t, जैसा भी यूज करना चाहो अपने ऊपर रहता है, या तुम लोग कर लो। तुम लोग करो तब तक मैं अपना सलूशन लिखता हूँ, ठीक है?
कर लिया, ट्राई कर लिया एटलीस्ट। अब देखो ऊपर घर में ट्राई करना, अब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें टाइम का इन्वॉल्व था, तो कितने लोगों ने एनर्जी से अटैक करने का ट्राई किया, हुआ चल रहा है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अब उसी वेरिएबल को देखते हैं। तो पहली बात तो ये हिट करना चाहिए था कि देर आर चांसेस कि एनर्जी बैलेंसिंग कैन बी यूज्ड, ठीक है। और ये हिंट वहां से ही मिलता है कि उसने बता रखा है कि एच हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी कन्वर्जन से हो सकता था। अब रिएक्शन निकालना है तो वी कैन नॉट एस्केप दिस इक्वेशन, अपने इधर से ये तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अपने को चाहिए, वी नीड वेलोसिटी, वी नीड दिस साइड। अच्छा ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्यों, व्हाट इज साई, साई इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो टेन साई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, टेन साई पता है तो कॉस साई पता है, तो ये आता है, ठीक है, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन ए प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के हैंडल हो सकता है। अब बचता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए लिखो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेट्स से वहां वेलोसिटी इसकी वी है, वही तो वी है ही है, प्लस एम जी वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स वाई हाइट मान के चल रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि लाई कर रहा है उसी पैराबोला पे, तो एम जी वाई इक्वल टू इनिशियल एनर्जी एम जी एच, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ से क्या निकल आएगा, वी स्क्वायर, उसको इसमें रखो, पूरी इक्वेशन किसमें, सिर्फ और सिर्फ वाई में है, लेकिन रखोगे तो पूरा अभी वो बाकी है, रो बाकी है, ठीक है। तो रो का एक्सप्रेशन भी पता है, वन प्लस डी आई डी एस का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन डी टू आई डी एस स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं और उसको रखोगे, क्यों रो, जब कर मैंने बताया ना कर पता है तो तुम्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता तुम्हारे हाथ में, रो तो फंसना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम्हें तुरंत तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए था कि ये तो अपने को कर्व की इक्वेशन पता है तो हमें सारे उसके एटलीस्ट कर्व के पैरामीटर पता है सारे, बस वो सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर आएगा, है। हमने हाँ यही हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस है, दिस इज आवर रेफरेंस, देखो अगर तुमने ये कर्व लिया है तो यू हैव नो चॉइस देन कॉलिंग दिस एज y एंड दिस एज x, क्योंकि ये उसी के इस दिस इज द ओरिजिन, उसी के रिस्पेक्ट में तुमने कर्व की इक्वेशन लिखी है ना, तो तुमको यहाँ पे सब एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ही हैं ये सब, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई, इसके y में h और वो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये है पूरा एग्जैक्ट डायग्राम, ये नीचे है ना, ये रो गिवन का है, रो तो कर्व की प्रॉपर्टी होती है कि किस पॉइंट पे उस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तुम्हारे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। हाँ उसमें कैलकुलेशन में फंसता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा y तो आना ही आना है, तो या तो फिर y की वैल्यू निकाल रो के टर्म्स में, दोनों में कुछ करने, तो उसको इसलिए शुरू से ही सब कुछ खोल के रखा है y में, बाद में सेटिंग कर देंगे, सेटिंग है थोड़ा सा, लेकिन दिस इज द मोस्ट इजी वे, रो है दिमाग में आता है वो, लेकिन वो हैंडल करने में दिक्कत आता है थोड़ा सा, ये शायद आया हुआ है, दिया है मैंने तो आया हुआ होगा ना।
ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कैसे सोचना है क्वेश्चन? उससे कर सकते होंगे 100%। मैं तो उसमें वो टाइम था ही नहीं तो उधर पे सोचा भी नहीं, लेकिन अगर एक्स में लेट से थोड़े करना भी है इस मोशन को तो कैसे कर सकते हो? ये है तो mg को तो ब्रेक करना नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के रिएक्शन तो यही रहेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल नॉर्मल में अब वो बोला ना कि x में करो तो उसमें टेंजेंशियल नॉर्मल से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो s को लिखने के लिए वो वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, फिर ds / dt है ऐसे तो उसमें चाहे तो x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके या इसको रब कर दें। लिख लिया रिजल्ट, लिख लो फिर थोड़ा उसमें हाथ पर मारेंगे 2-3 मिनट के लिए। हाँ नहीं वो क्योंकि वो कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहा है, तुम वैसे डायरेक्ट करके देख लो, ठीक है। या तो एक काम करो कॉस वाई की वैल्यू रखो और मतलब वाई की वैल्यू निकालो रो के टर्म्स में एनर्जी बैलेंस करने के लिए कंडीशन तो मैंने यहां पे कर दिया क्योंकि इधर आता ही कर दिया, वरना ऐसा होता था ना मोमेंटम बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी कंजर्व इसमें इसलिए ना क्योंकि उसको एनर्जी को कंज्यूम करने वाला कौन है इसमें? कोई नहीं है। फ्रिक्शन होता तो भी हम एनर्जी कंजर्व कर लेते क्योंकि हम उतना एनर्जी फ्रिक्शन के वर्क में ऐड करके डाल देते। मैं तो ऐसे डालता हूँ मतलब कि इतना टोटल तो है ही है, कॉमन सेंस से डालता हूँ इतना है ही है। अब ये कहाँ कहाँ बटेगा, कुछ कनेक्टिंग में जाएगा, कुछ काम कर दिया फ्रिक्शन के अंदर पोटेंशियल में चला गया। ये नोट कर लो फिर जरा उसको एक बार ट्राई करता हूँ। एम जी वाई यस यस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। हाँ हाँ तो दोनों में कोई ना कोई कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ऐसे। रो का अगर वाई में नहीं निकाला है तो फिर कॉस साई को रो के टर्म्स में निकालो, मतलब कुल मिलाकर एलिमिनेट करना पड़ेगा एक ना एक। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन देख के जाओ, थोड़ा सा हल्का सा याद रख के भी जाओ, कभी भी कैसा भी दे सकता है। हाँ लेकिन पता है वो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, कैलकुलेशन इसमें टफ, उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं थी स्टैटिक्स में, कैलकुलेशन वाइज ये ज्यादा हैवी है, ठीक है। स्टैटिक्स में क्या था, डायग्राम वगैरह में दिक्कत थी नो डाउट, बट हाँ उस एक बार डायग्राम बन गया फील आ गई तो तुरंत होता था वो। डायनेमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा हाथ पैर है, दिक्कत किसी में नहीं आएगी, तुमको यही मान के चलना है कि हम सारे क्वेश्चन देख के जाएंगे, बस अपने दिमाग पे नहीं भरोसा करना कि हम वहां सोच लेंगे, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दो, बड़े बड़े सूरमा इस फिलोसफी को छोड़ चुके हैं यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में दिमाग बंद वाला मोड में आ जाओ एकदम, घिसने वाले मोड पे। तारीख खत्म क्यों ही, रिफिल इकट्ठी करते जाओ अचीवमेंट के रूप में। हर हफ्ते अगर एक पेन खत्म नहीं हो रहा है तो फिर अपने आप को गाली देना ठीक है। चलो इसको रब करते हैं थोड़ा सा। तो उसको थोड़ा तैयारी करो मेहनत करो।
नहीं, ये गलत कह रहे हो, क्योंकि काफी लोगों को सही भी लगा पेपर, ऐसे इतने नए क्वेश्चन नहीं डाले थे, पेपर पूरा बैलेंस था इनफैक्ट उसमें। नहीं, मैं कैलकुलस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें हर पेपर में मेरे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट टू टेस्ट की कितना तुम लोग पेपर भी देख रहे हो। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो पूरा सब टॉपिक से टच करता हूँ थोड़ा 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 सारे क्वेश्चन। कौन कौन सा? आखिरी वाला वही था जो तुम लोग कर लेते वाला क्वेश्चन, तुम लोग दिमाग चलाए नहीं, चलते डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करके होता है टॉपिक, उसमें तुम लोगों के दिमाग में चमका नहीं कि एक्स भी है और अल्फा भी है, तुम्हें तो करके भी उसमें पता नहीं क्या अटक गया। हाँ हाँ वो सीधे क्वेश्चन थे और तो देखो मैंने भी लेकिन उसको इसलिए अलग से डाला था, तुम लोग बाद में गाली ना दो, ठीक है। अच्छा इसमें भी इक्वेशन अगर लिखे हम तो किस में लिखे बताओ? टेंजेंशियल नॉर्मली लिखते हैं, उसी में लिखते आ रहे हैं अपन। यहीं से फिर एस लेके चलते हैं, नीचे से ही एस रेफरेंस मानते हैं अब तक, तो भले ही हम ऊपर से ट्रिक ड्रॉप किया है बट इक्वेशन नीचे के रेफरेंस में लिखते हैं। तो एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एम जी साइन साई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है? एम वी स्क्वायर बाई रो इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस साई। पाथ की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप यह काम ये कर सकते हो, निकालना ही पड़ेगा वही मुझे लग रहा है, यहाँ तो ये यूज करो या वो यूज कर सकते हैं एम वी, इससे कुछ हाँ इससे कुछ कर सकते हैं क्या? इक्वल टू माइनस एम जी साइन सही, ठीक है। वेलोसिटी एस वहाँ पे 0 था और उसमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, और अभी भी साइन साई है जो उंगली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए कर्व की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, राइट, एक्स इनफैक्ट ये क्यों लिखूंगा, और अपना एस है ना, तो डी वाई वाई डी एक्स होता है टेन साई। साइन साई यहाँ से निकल के आएगा और साइन वो भी उसके फॉर्म में होगा, एक्स और वाई के फॉर्म में होगा, फिर वाई को गायब करना पड़ेगा, एस लाना है हमको। हाँ नहीं एस को भी हो जाएगा हैंडल, बताएं कैसे? डी एस को इधर लेके जाओ, ये डी एस है, आप क्या करो एक काम करो ना, वाई के फॉर्म में ले जाओ सीधे, डी वाई से डिवाइड कर दो, डी वाई से या डी एक्स डी वाई से कर दो। देखो इसकी वैल्यू वाई के फॉर्म में आई थी ना, तो डी वाई से मल्टीप्लाई इन डिवाई डिवाइड, तो दिस डी एस बाई डी वाई की वैल्यू निकल आएगी आराम से, जैसे वही वाला अपना एक्सप्रेशन डी एस बाई डी वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमने हैंडल कर लिया पूरा और यहाँ पे भी आ गया। अब मेरे हिसाब से इसको अपन कर लेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम वी इक्वल टू 0 टू सम वी, राइट, वाई इक्वल टू नहीं नहीं 0 पे वाई इक्वल टू एच है, एच टू एच से वाई, राइट राइट राइट। अब कुछ कुछ हाथ पर मारना शायद हो जाएगा, ठीक है।
क्या वो तो अपना बेसिक फंडा चला तब से, निगेटिव साइन तो अब तो ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, डाउट पहले क्यों नहीं आया तुमको अभी? डायरेक्शन सेम क्या है, ये एस को डिक्रीज करने का ट्राई कर रहा है ना, एम जी साइन फाइव एम टू डी टू टी एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर का पॉजिटिव कर, व्हेन द फोर्स विल ट्राई टू इंक्रीज दिस एस, बट एम जी साइन फाइव तो उसको डिक्रीज करेगा ना, तो माइनस साइन. रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, ये ओ क्या मजा आया, मजा आया. राहुल गांधी क्या हुआ ना. अच्छा वो चलो ये तो हो गया, तो अब जो बचता है वो केवल बचता है नया टॉपिक ही है, इस टॉपिक में और तो कुछ नहीं है. तो खोलो असाइनमेंट करके आए होगे तुम लोग, ये टॉपिक तो खत्म हो गया, कल से हम लोग सेंट्रल फोर्सेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है अब जरा खोलो. असाइनमेंट खोल लो फटाक से. कहां से स्टार्ट करें डिस्कशन? पांचवा तो क्लास में किया था आई थिंक. आंसर तुम्हारा इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि इसमें आंसर सही है, दो तीन प्रॉपर्टी लगेंगे इसमें, पाई माइनस टू टेन इनवर्स, वो जैसा आदेश करेंगे आप दानिश भाई. कट रहा है क्या? हाँ हाँ तुमको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मुझे याद नहीं है वाला, कुछ होता तो इस तरह का तुम तब काट देना, फिर कट जाएगा तो अच्छी बात है. वैसे वो चीज़ वहाँ से भी शायद निकल आएगी अगर हो रहा होगा तो. ठीक है वो दो तीन रिजल्ट है वो मुझे याद है, वो बहुत है रिजल्ट उसमें छोटे मोटे करके. कट रहा है ना? हाँ कट रहा होगा. अब वही है कि उसमें रिजल्ट है वो अच्छे अच्छे, अगर तुम लोग याद कर सको तो याद कर लो. है दानिश भाई, दानिश भाई उन लोगों में जो सुनिए आखिरी चक्कर होता है रेस कभी लगाई ना कॉलेज में स्कूल में, कुछ लड़के होते ना लास्ट लास्ट लैप में इतनी तेज भागते हैं लगता है कि कहाँ तक एनर्जी बचा कर रखी थी इन्होंने. दिमाग खराब हो जाता है, यहाँ जाल निकल रही है, अरे लो 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 उस टाइम इतना थक चुके तो कुछ कर भी नहीं सकते, बस उनको देखते. पहली बार कॉलेज में गया तो पता लगा वार्म अप नाम की भी चीज होती है. उतने में ही थक गए हूँ. चेस नहीं, फिर हम गए अपने ट्रेडिशनल गांव वाले स्पोर्ट्स पे वेट लिफ्टिंग में. हमने कहा इसमें तो नहीं कोई हराएगा. चलो फिफ्थ क्वेश्चन में लास्ट ट्राई करना, इसमें दो तीन प्रॉपर्टी हैं. फिफ्थ वाला तो क्लास में पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स करके ये जो होता था ये कॉट इनवर्स में जाएगा, फिर ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है. यही जगह फंस सकते हो और कहीं नहीं फंसोगे. हाँ ये हो जाता है, यही खाली प्रॉपर्टी फंसती है, वरना तो कुछ नहीं. रेक्टिलिनियर से शुरू कर लेते हैं, वैसे भी मैं कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें. हाँ देखो सेवेंथ क्वेश्चन में अ बॉडी इज अटैच्ड टू वन एंड
A body is attached to one end of an inelastic string and the other end moves in a vertical line. अच्छा ये है ना, इसमें जैसे फील तो देखो कम आती है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन देखना सेवेंथ की, एट्थ का तो नहीं, एट्थ का तो होगा हाँ, उसको उसी से कर देना, समझ गया ना। हाँ अ बॉडी इज अटैच टू वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग एंड द अदर एंड मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन विद द सिस्टम ऑफ, इधर तो बॉडी कुछ लग रखी है ठीक है, और दूसरा जो एंड है ये वाला एंड ये सिस्टम कर रहा है क्या, ये ऊपर वाला, फिर ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे से करके कर रहा है। हाँ पर ढंग से पढ़ो तो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे। अदर एंड देखो ना, बोला था ये, अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ एक एंड पे तो उसमें टांग रखा है वो, दूसरा एंड को ऐसे कर रहा, अब दिमाग में लिखो ना कि अगर दिल से सोचा हमने था ना अपने मन से, क्या पता मैं नहीं अंग्रेजी समझ पाया क्या। कानपुर में तभी तो डाउट है अपने ऊपर। चलो लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर होगा तो टेंशन मास को देगा कौन, ठीक है। हाँ बस ये है, और परफेक्ट वे लॉजिक से जाओ तो ये अगर धीमे धीमे करेंगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये हमेशा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टॉट, ठीक है। बट अगर इसको एक हाथ से हाथ तेज करने लगे तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा ऊपर नीचे करने, तुम चार पांच बार हिला के, ठीक है। तो देर शुड बी सम अपर लिमिट इन दिस फ्रीक्वेंसी या इन दिस ऑसिलेशन, राइट, तभी वो एन लेस देन वो वाली इनक्वालिटी है कॉमन सेंस से जस्टिफाइड है कि हाँ भाई कि एन की एक अपर लिमिट होगी कि वो लूज ना हो, ठीक है। पूरा फील आ गया ना। जी अपॉन 8 पाई, अब यार रुको एक मिनट रुको, फिर देखते हैं इसका। अब बॉडी दैट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन है। अब क्या करोगे बताओ, इसमें अपने को प्रूफ करना है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है लेस देन जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए। इसके बाद क्या किया था बताओ, फिर से जाना समझ में नहीं आया। हाँ आप बताओ, ये सही है, ये लग रहा है। अच्छा, टी माइनस एम जी डी माइनस लगाया है, चलो है ना, तो इधर क्यों लगाया था, ठीक है। हाँ तो इसके बाद क्या किया है, d2x/dt² कितनी है, उसने बोला ना कि इस पॉइंट के बाद ऐसा होगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पे होगा वाला पॉइंट, हाँ d2x/dt² कितना रखा है, कितना होता है, पूरा वाला यूज कर दिया होगा ना मास के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्टली होता है, मैं तो वैसे देख लेता हूँ, कितना होता है
ओमेगा स्क्वायर होता है मिक्स में से ए, ठीक है। टी के लिए क्या किया, टी की जगह एम जी माइनस एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होना चाहिए ना हमेशा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है, टू पाई बाई टी से निकाल लेना यार, ठीक है, मन नहीं कर दिमाग लगाने का, ठीक है। और कौन सा, नहीं आ रहेगा कंडीशन, रस्सी के टाइट रहे उसके लिए एक्सेलेरेशन ज्यादा मतलब कन्विंसिंग लग रहा है कि टेंशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब टेंशन नॉन जीरो रहने के लिए क्या होगा कि mg हमेशा मतलब डोमिनेट करता रहे, तो एक्सेलेरेशन से जाओ, वेलोसिटी से मत जाओ, ठीक है, क्योंकि तो स्लैक कब कर सकती है, ऊपर जा रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है, यहां पे आके ये वापस आना ट्राई करेगा, ठीक है, यहां पे इसका जीरो होगा और इसका भी जीरो होना चाहिए ना, वरना तो ऊपर चलते चला जाएगा ये, लेकिन हाँ क्या ऊपर वाला क्या ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है तो उस स्लैक कैसे होगा, ऊपर की कम हो नीचे की ज्यादा हो, ऊपर का ज्यादा है तो ऊपर लेके जा रहा है ना, इसको तो ऊपर जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, नीचे आते वक्त हाँ जब नीचे आएगा तभी हो सकता है। नीचे की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब वो मिड पॉइंट पे होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा, ए ओमेगा होगी इफेक्टिवली, ठीक है, और उस केस में इसका क्या होगा, तुम लोग थोड़ा सा मुझे ईच मेथड थोड़ा सा उतना ऑब्वियस नहीं लग रहा था, मैं तो बहुत आसान तरीके से किया था, एक मिनट रुको, उसमें टेंशन जो हमें मतलब तो वेलोसिटी से मुझे डाउट है क्योंकि मतलब डिफरेंशियल वेलोसिटी उसमें क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो वो हो जाएगी, ठीक है, और वो डिफरेंशियल वेलोसिटी में भी जब ऊपर वाली का वेलोसिटी ज्यादा है व्हेन इट्स कमिंग डाउन तभी पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए, डिफरेंशियल मतलब कि ऊपर नीचे वाले का डिफरेंट डिफरेंट हो, दोनों एंड के अलग अलग वेलोसिटी, अगर तो वही बता रहा हूँ कि मैं तो फोर्स से सोचा था,
कि फोर्स टेंशन नॉन जीरो रहे, हाँ वही तो वही वाला वो वेलोसिटी से निकालने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मुझे जहां तक फील आ रही है कि वेलोसिटी के हम लोग एग्जैक्ट इंस्टेंट नहीं डिसाइड कर सकते कि कब कहां पे कौन सी वेलोसिटी होगी। नहीं नहीं ये ठीक है, ट्राई करने के बाद तो मुझे सोल्यूशन भेजना, अभी ऐसे में तुम जो बता रहे हो मैं पूरा देख नहीं पा रहा हूँ उसको ढंग से, ठीक है तो मुझे भेजना तब मैं एनालाइज कर लूँगा। फील नहीं आ पा रही एकदम से। ठीक है अगला क्वेश्चन बताओ, अगला 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 क्या 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 नाइन्थ नहीं हुआ, नाइन्थ तो टू लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग आर फास्टेंड टू अ टू लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग आर फास्टेंड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड देयर अदर एंड्स टू फिक्स्ड पॉइंट्स सो दैट द स्ट्रिंग्स आर टॉट। एक मिनट में पढ़ लेता पूरा। टू लाइट इलास्टिक आर फास्टेंड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड देयर two light elastic strings are fastened to a particle of mass m and their other ends to fixed points so that the string are taut. The modulus of each is lambda, the tension t, the length a and b, so that the period of an oscillation along the line of a string is this, this, this. So, इसमें तो कहानी ये है ना, भी कहानी है। इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, टेंशन दोनों में ही टी है, राइट? वर्टिकल नहीं दिया है, हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, चलो दोस्ती नहीं करते हैं, दोस्ती मत करो। हाँ हाँ किया था एक तरह से। खींच के बांधा हुआ है पूरा, ठीक है। हाँ स्टैंडर्ड किया था क्लास में, ऐसा कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है। चलो कर लेते हैं दोबारा से। टू लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग आर फास्टेंड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, इसका मास m है, एंड देयर ईच एंड फिक्स्ड टू द मॉडुलस ऑफ व्हिच इज, दोनों का जो मॉडुलस है वो लैम्डा है, t टेंशन है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। अब डायरेक्ट करने का मन कर रहा है इसको, कर दें डायरेक्ट 2 पाई रूट m बाय k वाला करके। इज्जत से किया चलो करो फिर उसी से, क्या करोगे फिर, डिफरेंशियल थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो, ठीक है थोड़ा सा, जब तुम इसको नेचुरल लेंथ है तो क्या दिक्कत है, क्या कंबाइन कर सकते हो, वो तो K1 K2 निकाल के निकाल लेंगे कुछ कुछ करके, वो तो रिलेशन दे तो रखी है इसने, अभी की फोर्स बैलेंस की इक्वेशन दे रखी है, उससे कुछ कुछ जिगाड़ कर लेंगे। तो यहाँ से मान लो इसको x डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम तुमने, फोर्स कितना आएगा, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू टी वन माइनस टी टू
अब इसमें मैं सिक्स सपोर्ट में लिख रहा हूँ तो माइनस साइन शायद नहीं आया इसमें, टी टू माइनस टी वन लिख दो। हाँ सही बात है, अपने आप से आएगा इसमें नेगेटिव, ठीक है। तो टी टू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा बाई नेचुरल लेंथ मान लो एल वन, ठीक है, और इस ये कितना आएगा ए प्लस एक्स माइनस एल वन है ना, माइनस लैम्डा बाई एल टू, ये कितनी हो जाएगी बी माइनस एक्स माइनस एल वन, ठीक है। तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये आया, यहां पे यूज आया इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो क्या होगा टी इक्वल टू लैम्डा या टेंशन बराबर करो इसका, उसका टेंशन की इक्वेशन लिखो ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है टी इक्वल टू लैम्डा बाई एल वन इन ब्रैकेट ए माइनस एल वन इक्वल टू लैम्डा बाई एल टू बी माइनस एल टू, ठीक है। यस यस, तो यहां पे क्या आया लैम्डा ए माइनस एल वन बाई एल वन माइनस लैम्डा बी माइनस एल टू बाई एल टू प्लस लैम्डा एक्स बाई एल टू, ये तो कैंसिल हो रहा है ना, लैम्डा ए माइनस एल वन ये और माइनस लैम्डा बी माइनस एल टू ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे थे, ठीक है। तो अपना क्या आया एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस आ गया, सो माइनस साइन कहाँ गायब हो गया, लैम्डा एक्स बाई एल टू नहीं, ये वाला भूल गया ना लिखना, हाँ लैम्डा एक्स एल टू भी आया और इधर से लैम्डा एक्स बाई एल वन, फिर भी यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं आया ना, माइनस साइन तो आना चाहिए था, नेचुरली आना चाहिए था एम डी टू एक्स बराबर है क्या क्या, हाँ मतलब इक्वेशन लिखेंगे तो आना चाहिए था, क्योंकि एम डी टू एक्स इधर डिस्प्लेस किया है तो टी टू माइनस टी वन गलत लिखे है ना, टी टू लिखे हो लेकिन लिखे हम टी वन पहले, ठीक है। तो ठीक है, फंडे एकदम से हिलाया मत करो, कह रहे गलत हो गया चेंज कर लो फंडे, ठीक है। तो एक माइनस यहाँ लिख लेना, ठीक है, ठीक है। चलो तो अच्छी बात यह है कि एकदम तमीज से करके ले आए, एम टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय एल टू प्लस लैम्डा बाय एल वन। आप चाहे तो अगर जिनको पुराना याद होगा ये वही है, के वन प्लस के टू आ गया, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट लिख लो, लैम्डा बाई एल वन की वैल्यू भी निकल सकती है, निकल सकती कि नहीं, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा 1 अपॉन लैम्डा बाई एल टू प्लस लैम्डा बाई एल वन। तो तुमको क्या चाहिए, L1 L2 की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले को डायरेक्टली रिप्लेस कर दो, तुरंत आंसर आता है। L1 की वैल्यू निकालो इस एक्सप्रेशन से एंड L2 की निकालो, पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है, हो गया। इलेवन तो कर ही लिया था कल ही, ट्वेल्थ भी कर लिया था क्लास में, अब क्या
15 करना है, 15 15 ट्राई किया किसी ने? आ रहा है, आ रहा है 15। 15 में है क्या? बस कैलकुलेशन लंबी है क्या? Assuming that the particle falling freely under gravity can point to the... अरे यार इसमें कैलकुलेशन बहुत है। Without facing any... Without... ठीक है यार सोल्यूशन तो भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या? अच्छा अच्छा सोल्यूशन भेज दूंगा, इसमें वैसे कुछ अलग नहीं है, वही दो मोशन में करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। सोल्यूशन डाल दूंगा इसमें नहीं। 16 मैं थोड़ा ऐसे ही करता हूँ जो तुम लोग करते हो, मतलब रफ में तुम लोग डाल दूंगा फोटो खींच के। ठीक है ठीक है, वो वही था जो मैंने लिखा था, उसी को देख के लिख रहा था मैं। सेटिंग ठीक है ठीक। हाँ हाँ वरे वो सेट नहीं हो रहा था, दिमाग खराब कर रहा था वो, वही वो जो पैराबोला वाला मोशन किया था। चलो देखेंगे देखेंगे क्या 13 से क्या हो गया। अरे कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत चलता है इसमें क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन है इस वाले टॉपिक में, और कुछ नहीं है। जैसे कि 17 अगर तुम ट्राई करोगे तो उसमें भी दिमाग खराब होगा। ठीक है लेकिन ज्यादा लोड मत लो क्योंकि फंडा समझ गए हो तो मतलब कर लोगे। मैंने छोड़ के नहीं आना आता, क्यों छोड़ के आना है? अब कॉन्स्टेंट मोशन के देखो, पहला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करना है लगाना है कर लिया होगा। ठीक है सेकंड भी कर लिया होगा, वो तो अभी ट्राई कर लोगे तो उसमें एकदम तुरंत तुरंत वाले हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है टी और वी के यूज करना है और कुछ नहीं है। थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड देखो थर्ड किसने किया है, कर लिया है कैसे किया है, किया है एनर्जी कंजर्वेशन लगाया इसमें। अच्छा फॉर्मूला लेके कर दिया, चलो सही है फॉर्मूला लेके कर दिया तो बताए वांगे। मैं देख लेता हूँ मुझे भी याद है कि नहीं। पार्टिकल इन साइड एंड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अच्छा बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस 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 शो दैट इट विल लीव द स्फीयर एट हाइट अच्छा ठीक है तो देखना है। ठीक 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 हाँ। कहानी ऐसी है कि भाई यहां से उसको हमने भेजा जहां सिमरन जा करके 7/2 ए जी देखे। ठीक है और उसको इस पे छोड़े, स्मूथ है इट विल लीव द स्फीयर एट अ हाइट 3/2 ए पे राइट। तो ये ऑफ कोर्स यार देखो पहली बात तो इसमें वही एनालाइज करने वाली थी कि ये कितना है करीब 3.5 ए जी है ना, मतलब मोर देन √2 ए जी और लेस देन √5 ए जी। ठीक है तो इट विल लीव द सर्फेस समवेयर हेयर और उसने बता भी दिया भाई कि ये बता दिया कि पूछ रहा है भाई ये है 3/2। अच्छा शो करना है चलो H मान लेते हैं। ठीक है हाँ तो ये है कहानी भाई, यहां से जा रही है वहां पे छोड़ा और छोड़ के क्वेश्चन क्या बताया उसने यहीं पे मिलेगा, मतलब कि यहां से निकलेगा वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में राइट और ये इस तरह का कुछ कुछ है ना। ठीक है ये कुछ वेलोसिटी इसके पास v है ये है। अब
दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट? एनर्जी कितना है स्टार्टिंग पे यहाँ पे? देखो पहली बात तो वहां पे इक्वेशन लिखो, व्हेन इट विल लीव द सरफेस तो रिएक्शन हो जाएगी जीरो, तो इसका मतलब है एम वी स्क्वायर बाई, एक मिनट, थीटा हो गया ये, तो ये एम जी लग रहा होगा इधर पे, एम जी ये वो, ठीक है, तो नॉर्मल एक्शन हो जाएगी जीरो, तो एम वी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, आर हो चुकी होगी जीरो, ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये, दिस इज द इक्वेशन वी हैव, राइट? एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? एनर्जी बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंस ए पे कितना है, स्टार्टिंग एनर्जी कितना है उसका, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि सेवन बाई टू ए जी इक्वल टू, वहां पे वहां पे इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग कि इट्स वेलोसिटी इज वी, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, राइट? राइट, ठीक है, तो अब वी स्क्वायर हमें निकालना क्या था, एच निकालना, राइट? गुड, तो यहां से वी तुम इसमें रख सकते हो, है ना, है ना, और साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू दिस हाइट बाई दिस, मतलब कि एच माइनस ए बाई ए, तो देखो अब दिस होल इक्वेशन इज इन एच ओनली, बस सॉल्व हो जाएगा तुरंत, मजाक लगते थे लेकिन हम लोगों का टच चला गया ना, इसलिए थोड़ा सा डरते हैं अटैक करने में, बस सर्कुलर मोशन तो आसान माना करते थे उस टाइम पे, हाँ रोटेशनल टफ मानते थे, पिटजी में तो मेरे पास एक दो बार परसेंटाइल अच्छा आ गया 99 के ऊपर, तो मैं सोचता था हाँ हो जाएगा हाँ, तो उसमें आ जाता था कभी कभी, तो मैं समझ आता कि हाँ अपना हो जाएगा बाकी चिल मारो आप, ठीक है, तो ये है, जब भी टाइम नहीं है तो ऑलवेज थिंक कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, और एनर्जी कंजर्वेशन करते समय बस सारे कंस्टिट्यूएंट देख लेना है कि कहाँ का एनर्जी तुम्हारा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी आएंगे, अभी तो क्या है ना, अभी सरफेस इज स्मूथ, बट जस्ट आफ्टर वन और टू लेक्चर सरफेस में रफ होना शुरू हो जाएगी, बहुत देर से बना रहे हैं सरफेस, चल रहे हो तो फ्रिक्शन नहीं आ जाएगा ठीक है, तो मेरे जो फिजिक्स वाला था ट्वेल्थ में, वो यही बोलता था कि उसकी क्या ना सीढ़ियों में बहुत खुरदी हो गई थी, मतलब वो तो बोलता था कि ये मतलब खराब सरफेस नहीं, दीज आर जस्ट ओवर पॉलिश्ड, ओवर पॉलिश्ड, ज्यादा पॉलिश कर दो तो वापस से एटम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो और खुजली हो जाती है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, और देखता हूँ, हाँ फोर्थ से एक्चुअली फिर वाला हो गया था जो आज से कराया, वरना तुम लोग वो भी कर लोगे आराम से, एनर्जी कंजर्वेशन याद रखना, जहाँ भी टाइम नहीं है वहाँ पे लगाना है तुमको, जहाँ भी हाइट पूछे, वेलोसिटी पूछे, हाँ टाइम छोड़ के जो भी पूछे दौड़ के लगाओ, चलो बाकी बचे हुए प्रॉब्लम सब करना तुम लोग, ये वाला पूरा असाइनमेंट हो जाएगा 13 तक, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है, हैं? देखो और प्रीवियस ईयर में कॉन्स्टेंट मोशन के पहला और दूसरा तो एकदम ही हलवा पूड़ी है, ठीक है तो कर लोगे तुम लोग, तीसरा ट्राई करना, चौथा तो कर ही लिया है हमने,
बस वो देखना तुम लोग, असाइनमेंट कर लेना आप। चलो ठीक है फिर, हाँ चलो ठीक है फिर, हाँ पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, फील लेते रहो। टाटा बाय बाय।